जय श्री राम। आज रामनवमी के उत्सव पर मैं आपको दिल्ली का एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो दिल्ली की पहचान बन चुका है। करोल बाग में 108 फुट की संकट मोचन धाम ट्रस्ट की ओर से ये हनुमान जी का मंदिर है और ये 108 फुट की मूर्ति। चलिए आज मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। चलते हैं हम इस मंदिर में। श्री सिद्ध हनुमान मंदिर। अभी हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। हनुमान जी की गदाई देखिए, कितनी भव्य गदा। और यहाँ अलग अलग प्रकार से प्रवेश द्वार हैं। प्रसाद की दुकान है। मंदिर का आरंभ श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज 108 फुट संकट मोचन धाम हनुमान मंदिर श्री शनि देव एवं नवग्रह प्राचीन मंदिर भी यहाँ बनाया गया है। ये भी एक इसकी भी भव्यता आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर काले पत्थर से इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। ये आप देख सकते हैं शनि देव की प्रतिमा यहाँ विराजमान है और नवग्रह मंदिर भी है। ये देखिए जी, प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे नवग्रह। सूर्यदेव विराजमान है यहाँ सबसे ऊपर और यहाँ अखंड ज्योत भी चलती रहती है हमेशा। सभी मूर्तियाँ भव्य है। प्राचीन वृक्ष को सुरक्षित रखा गया है, यही विशेषता है हमारे सभी मंदिरों की। यहाँ जिस धर्म में वृक्षों की भी पूजा होती हो तो उनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। आप ये सब हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में देख सकते हैं। माँ काली की प्रतिमा सभी पलों से आज देखिए कितनी भव्य सजावट हो रही है। और आज हवन भी यहाँ होने जा रहा है। समुद्र मंथन का दृश्य यहाँ बनाया गया है। भगवान शिव जिन्होंने विषपान किया था और यहाँ दानव और दूसरी ओर देवताओं द्वारा ब्रह्मा जी विष्णु जी इंद्र सभी देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन का बहुत ही सुंदर दृश्य बनाया गया है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा और आज यहाँ भी यज्ञ की व्यवस्था की गई है। अच्छा जी, ये यहाँ कुआं है जी देखिए, और ये इस गुफा का प्रवेश द्वार है। ये देखिए जी हवन सामग्री और हवन की तैयारी यहाँ भी चल रही है। मैं जाऊँगा उस सीट पे बैठूंगा तब हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पूजा का विशेष प्रबंध यहाँ हो रहा है। ये दुर्गा की प्रतिमा, आज नवमी का दिन रामनवमी। ये प्रवेश द्वार
मंदिर का। और ये है जी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, जिसके दर्शन करने के लिए सभी यहाँ आते हैं। भक्तजन इधर माँ दुर्गा की प्रतिमा, यहाँ भी मुख्य हवन का आयोजन आज रामनवमी के पर्व पर हो रहा है। ये देखिए जी यहाँ भी हवन के आयोजन की तैयारी हो रही है मुख्य। राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, शिव पार्वती और निरंतर रामायण का पाठ भी यहाँ चल रहा है। मंदिर को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है, इतनी अधिक मूर्तियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ भी राम दरबार और हनुमान जी की एक और प्रतिमा, यहाँ आप हनुमान जी के चरण देख सकते हैं जी। यहाँ से भी एक दिव्य स्वरूप यहाँ से मूर्ति का। अब हम पवित्र गुफा की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जय माता की। ये देखिए जी पूरी हो, यहाँ आरती चल रही है गुफा में। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
आज रामनवमी के दिन मंदिर में फूलों के द्वारा पूरा किया गया है। दुर्गा काली और महालक्ष्मी का भी भव्य मंदिर यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इधर राम दरबार, आज रामनवमी के अवसर पर इस मंदिर की पूरी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। 108 फुटी हनुमान जी का जो मंदिर करोलबाग में है, ये संत जिनके द्वारा महंत नागा बाबा तूफानगिरी महाराज, श्री महंत नागा बाबा विशंबर गिरी जी, श्री महंत नागा बाबा सरेंद्र गिरी जी उर्फ सोमवार गिरी जी, महंत नागा बाबा सेवा गिरी जी महाराज, आज जैसे मंदिर के मैंने आपको दर्शन कराए रामनवमी के उत्सव पर, महंत ओम प्रकाश गिरी जी महाराज जो अध्यक्ष हैं 108 फुट हनुमान मंदिर करोलबाग में, तो उनसे मैं पूछता हूँ। पहले तो आपको मेरा प्रणाम है जी, और हमारे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूँ। और आपका मंदिर दिल्ली की पहचान बन चुका है, किसी भी फीचर फिल्म में दिल्ली दिखानी होती है, ये मेट्रो और ये हनुमान मंदिर की जो मूर्ति है उसको दिखा के अपने आप में दिल्ली आ जाती है, जो भी यहाँ से व्यू लिया जाता है। तो मेरा कहना है कि इस मंदिर का आरंभ किसने किया था और आज ये स्थिति में आया कि इसको करोड़ों लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। जय श्री राम। सभी भक्तों को मेरे नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं सब भक्तों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया कि मंदिर कितना पुराना है, मंदिर किन किन लोगों ने बनाया है, मंदिर कैसे स्थापित हुआ, मंदिर की मूर्ति कैसे बनी, ये तरह तरह के प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं जी। आपके दिमाग में एक प्रश्न होता है कि इतनी भव्य मूर्ति आज आइकॉन बन चुकी है दिल्ली का, नहीं पूरे पूरे भारत का, तो इस मंदिर के विषय में जानने की जिज्ञासा तो हर आदमी को है।
जानने की जिज्ञासा होनी भी चाहिए जी। तो मैं सर्वप्रथम मंदिर कब बना, कैसे बना, क्यों बना, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। बात 200 वर्ष पुरानी है, 200 वर्ष पुरानी है। अरे वाह। जब यहाँ पर कोई रोड नहीं होती थी, कोई सड़क नहीं होती थी, जंगल बियाबान होता था, सारा जंगल जंगल होता था। उस जंगल के अंदर नागा बाबा ने अपनी तपस्या बनाई हुई थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो नागा बाबा का धुना, जहाँ पर अगत धुना जलता था, भगवान शंकर जी का, भगवान दत्तात्रेय महाराज जी की, जो उनके आराध्य हैं, उनके देवता हैं, उनको ये पूछते थे। बात 200 वर्ष पुरानी है जरूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षात हमारे सामने खड़ी है। नागा बाबा बहुत यहाँ पर आए, ठहरे, बहुत स्थान बनाया अपना। तो 200 वर्ष हम कह रहे हैं, 200 वर्ष पुरानी बातें, 200 वर्ष से भी पुरानी बातें, 200 वर्ष तो हमें हमारा इतिहास बताता है। उसके बाद यहाँ पर और भी महात्मा आए, बहुत महात्मा आए। बात 1945 की है, जब नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज हमारे यहाँ पर आए, वो खोजते हुए यहाँ पर रुके नागा बाबाओं की सब जमीन। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक धुना है, तो यहीं पर उन्होंने अपना स्थान स्थापित कर दिया। स्थान स्थापित करने के बाद वो यहीं पर निवास करने लगे, यहीं पर अपना डेरा बनाया। उन्होंने बनाते बनाते ही इतना सुंदर स्थान बना दिया, रमणीय स्थान बना दिया, कि यहाँ पर उन्होंने प्याऊ लगाया, ये वो सब लगाया, और यहाँ पर भक्तों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। बात चली गई। बात 1960 की है। 1960 को भगवान हनुमान जी ने साक्षात नागा बाबा सेवागिरी महाराज जी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि इस स्थान पर बाएं हाथ में मेरा अंगूठा, जहाँ पर ये मेरा बनाओ, इतनी बड़ी मूर्ति बनाए कि ना भूतों ना भविष्यति के देखने वाले देखें, मेरा मंदिर इतना सुंदर बनना चाहिए। तो वास्तव में बाबा जी की दिमाग में बाबा जी को साक्षात दर्शन दिए हनुमान जी ने, उन्होंने मूर्ति को बनाने की योजना बनाई। मूर्ति को बनाने की योजना बनाते बनाते उनको सन 1994 को अंदर खुदाई की, 94 के अंदर खुदाई की, और वहाँ पर उन्होंने वो नींव रखी। अब वो नींव रखी तो मंदिर की नींव भर गई, और उसके बाद मूर्ति बनने आरंभ हो गई। नींव रखी और मूर्ति बननी आरंभ हुई। कितने वर्ष लगे मूर्ति पूरी बनने में? मूर्ति बनने में 13 वर्ष लगे। अरे वाह। 13 वर्ष लगे मूर्ति बनने में, क्योंकि विभिन्न अड़चने भी आई। उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, लेकिन अड़चने निरंतर आती थी बाबा जी। 2 अप्रैल 2007 को मूर्ति कंप्लीट हुई। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती थी। क्या बात है। 2 अप्रैल 2007 को हनुमान जयंती थी। हनुमान जयंती के दिन इस मूर्ति का अनावरण हुआ, इस विशाल मूर्ति का अनावरण हुआ। उस दिन देश विदेश के लोग यहाँ पर आए, और उन्होंने मत्था टेका हनुमान जी को। बाबा जी ने तब कहा था कि ना भूतों ना भविष्य की, ना जीवन में बनी है ना बनाए, कोई बनाएगा,
ये ऐसी मूर्ति है, क्योंकि इस मूर्ति के बारे में लोगों को जानकारी क्यों है। मूर्ति तो बन जाएगी 108 फुट की, बहुत बन जाएगी, लेकिन ये स्वचालित मूर्ति है। स्वचालित का अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी अपने सीना चीरते हैं और मूर्ति पांच साढ़े पांच फुट भार आती है। ये मूर्ति पांच साढ़े पांच फुट भार आती है और जोर से अलंगन जयकार करता है, जय श्री राम। उसके बाद कुछ मिनटों बाद दर्शन देके मूर्ति भगवान राम रावण और सीता के दर्शन देके मूर्ति वापस अपने साथ पे आती है, हाथ जो खुले थे वो बंद होते हैं, हाथ से आते हैं। तो ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये मूर्ति बड़ी विशाल मूर्ति है, इनमें अनेकों देवी देवताएं इस मंदिर में विराजमान है जी, अनेकों देवी देवता विराजमान। तो मंदिर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे स्थान पे, बहुत अच्छे भाव से बना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बाबा जी ने जब मूर्ति बननी आरंभ हुई तो हम बाबा जी बैठे थे, छोटे छोटे बालक होते थे, कहते थे कि ये मूर्ति भव्य हनुमान जी का, ये मूर्ति जिस दिन कंप्लीट होगी उसके पास ही मैं अपना चोला छोड़ दूंगा, यानी कि अपना शरीर त्याग। तो बाबा जी ने जो कहा था वही हुआ। बाबा जी ने 2008 जनवरी में अपना शरीर छोड़ दिया। तब से लेके आज तक हम बाबा जी की बरसी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, बाबा जी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम के मनाते हैं। इसमें देश विदेश के साधु और संतों को बुलाते हैं। अच्छा, जो साधु संत आते हैं हमसे विदाई लेते हैं, हम भंडारा करते हैं, बाबा जी को याद करते हैं और अपने अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस मूर्ति की एक विशेषता है, नीचे से हनुमान जी जिस दिशा में देख रहे हैं, कमर के बाद उनका चेहरा जो है, ऊपर का जो धड़ है वो दूसरी दिशा में है, इसका क्या कारण है? ये विश्व की अकेली मूर्ति होगी ऐसे? इसका कारण भाई साहब, इस कारण के पीछे ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि जब बाबा जी ने मूर्ति बननी आरंभ की उस समय मेट्रो वाटो कुछ नहीं होते थे, सामने देखते थे हनुमान जी, मेट्रो होती नहीं थी तब भक्तों को। अच्छा, अच्छा। यहाँ पर दर्शन हनुमान जी को साक्षात दर्शन होते थे, क्योंकि हनुमान जी का विराट रूप, मेट्रो नहीं, कुछ कहीं कुछ नहीं, सामने आमने दर्शन होते थे। मेट्रो जब गवर्नमेंट ने बनाई उसके बाद बाबा जी के मन में आया कि मेट्रो बन गई तो दर्शन नहीं हो पाएंगे लोगों को, तो बाबा जी ने बाबा जी इस तरह मूर्ति थी, इस तरह इस तरीके से घुमाई मूर्ति, ठीक बात है, घूमी। अब सीधा करोलबाग से मूर्ति के साक्षात वो दूर दूर तक दर्शन होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये भी एक विलक्षण है, ये प्रभु की करनी है, जो इस प्रकार की मूर्ति दुनिया में इकलौती मूर्ति होगी, पांव जो है एक दिशा में है और धड़ जो है दूसरी दिशा में है। बहुत सुंदर जी। और यहाँ नियमित रूप से कार्यक्रम होते हैं, और दूसरी एक मैंने आज ही नोट किया कि रामचरितमानस का पाठ निरंतर चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बाबा जी 13 मई 1994 यानी कि 1994 से तीन पंडितों को लेकर यहाँ पर उन्होंने चार पंडितों को लेकर रामायण की शुरुआत की। रामायण होती है कंटिन्यू, हर 3 घंटे में एक पंडित की ड्यूटी। उसके बाद जब पंडित ज्यादा हो गए हमारे पे तो फिर हमने 1-1 घंटे की ड्यूटी कर दी। 12 ब्राह्मण 12 घंटे दिन में, 12 घंटे रात को,
ये इंक्रीज लगातार हो रही है। तो 1994 13 मई 1994 से लगातार अभी तक टिल डेट तक होती है निरंतर। और बाबा जी कहना ये था कि बच्चों जब तक तुम कर सकते हो तो ये रामायण का पाठ करते रहना। तो 24 घंटे में समाप्त होती है या कभी भी हो चलती रहती है। हाँ, मतलब जैसे ही पूरी हुई उसके बाद दोबारा से पहला अध्याय आरंभ हो जाता है। क्या बात है जी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई सारी गुफाएं दुर्ग मतलब वैष्णो देवी का मंदिर का भी निर्माण हुआ। अलग अलग प्रकार के जो भी आते हैं बहुत ही रोचक दृष्टि से अपने सनातन धर्म के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है। तो ये भी बाबा जी की सोच थी या उसके बाद आपने भी कुछ निर्माण कराया? देखो भाई बात सुनो, मैं कुछ नहीं हूँ, बाबा जी हमारे सब कुछ हैं जी। ये अतिशोक्ति हुई कहना कि मैंने कुछ निर्माण कराया जी, क्योंकि बाबा जी बड़े महान थे, बाबा जी दूरदर्शी थे, बाबा जी पहचान लिया करते थे कौन आदमी कैसे चल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब बाबा जी की माया है, सब बाबा जी कर कमलों के द्वारा खड़ा किया गया एम्पायर था। ये मंदिर जी 108 फुट का बाबा जी ने बनाया। गुफा की यहाँ तक बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे तो पूरी रात हो जाएगी कहते कहते जी जी। लेकिन गुफा का मैं आपने चर्चा किया तो उसका एक एपिसोड बताता हूँ। गुफा जब बन गई तो हम पूछे थे बाबा जी क्या बना रहे हैं, क्योंकि पानी निरंतर भरा जाता, हमारे दिमाग में बात नहीं आती। तो बाबा जी ने तब हमें बताया कि बच्चों ये माता वैष्णो देवी की गुफा बन रही है। क्या बात है, माता वैष्णो देवी की गुफा बन रही है। माता वैष्णो देवी गुफा बनने से पहले उन्होंने हमें ज्वाला माता को भेजा कि वहां से जोत दाओ और ये ज्वाला माता की जो गुफा में जलेगी निरंतर जलेगी। तो आप देखते हैं कि 2006 में इसका उद्घाटन किया बाबा जी ने 2006 में, और ये मार्च 2006 में इसका उद्घाटन, तो बड़ी विलक्षण और बड़ी इसके दर्शन करने से मात्र। मुख्य पर्व यहाँ कौन कौन से मनाए जाते हैं? मुख्य पर्व यहाँ होती है हनुमान जयंती जी, अभी आने वाली है, और बाबा जी की बरसी, दो पर्व। वैसे तो पर्व बहुत है, शनि अमावस्या है, शनि जयंती है, जन्माष्टमी है, और बहुत पर्व सभी मनाए जाते हैं। और मंगलवार को तो यहाँ इतनी ट्रैफिक जाम होता है जी, मैं बहुत वर्षों से इस ट्रैफिक जाम से निकला हूँ मंगलवार को। ठीक स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरे विश्व में दिल्ली की पहचान बन चुका है, आज दिल्ली में कुतुब मीनार या लाल किले को नहीं दिखा के इस हनुमान जी की मूर्ति को दिखा दिया जाता है, मेट्रो आगे से गुजर रही है, और ये दिल्ली की नई पहचान है। ये जो भारत बदल रहा है उसकी पहचान है। इसके पीछे एक आप देखिए अध्यात्म है और मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसका समावेश है इस ये मंदिर, ये मूर्ति और इसके सामने मेट्रो करोल बाग से। मैं निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और आपको भी स्वामी जी का और इस हनुमान मंदिर का आशीर्वाद सभी को मिले, यही मेरी मनोकामना है। तो आज रामनवमी के दिन आप इस एपिसोड को देखेंगे और इस मंदिर की जानकारी आपको मिल रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में मुझे लिखें। हार्दिक धन्यवाद, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।